हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप लोग बेगिनर्स हैं, पार्लर को सीख रहे हैं अभी, तो मैं आप लोग को आज बताऊंगी। अक्सर हम लोग को पता नहीं होता है कि सिंपल मेकअप, 3D मेकअप, HD मेकअप और वाटर प्रूफ मेकअप में फ़र्क क्या होता है। कई बार हमारे पास क्लाइंट आ जाए कि मैम हमको 3D मेकअप कराना है, HD मेकअप कराना है, सिंपल मेकअप कराना है या वाटर प्रूफ मेकअप चाहिए, तो आप लोग बोलते हो हाँ जी हाँ जी हो जाएगा। बट क्या डिफरेंस है इन सब मेकअप में और कैसे करते हैं, वो सब मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा अच्छे से सीखने के लिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल मेकअप के बारे में। तो सिंपल मेकअप क्या होता है उसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल समझिए। सिंपल मेकअप में हमको, जैसे कोई क्लाइंट आ गया कि सिर्फ सिंपल मेकअप चाहिए मैम, तो सिंपल मेकअप में आपको ओनली फेस का बेस तैयार करना होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपली लाइनर लगा दिया, फेस का बेस तैयार कर दिया और हो गया सिंपल मेकअप। जैसे सिंपल मेकअप में आपको करना है क्लिंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तो करना ही करना है। उसके बाद से आप जो सिंपल मेकअप में बस आपको प्राइमर, कंसीलर और फेस पैक, प्राइमर, फाउंडेशन और फेस पैक लगा के फेस को फेयर लुक कर देना है। ये तो हो गया हमारा सिंपल मेकअप। और सेकेंड नंबर आता है वाटरप्रूफ मेकअप। तो वाटरप्रूफ मेकअप आपको पता होगा कि वाटरप्रूफ मेकअप उसको बोलते हैं जो कि फेस पे पसीना आए, पानी भी गिर जाए, तो आपका मेकअप नहीं बहना चाहिए। तो वो कैसे होता है, तो पूरा जैसे कि हम लोग मेकअप प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दिए, उसके बाद से क्या होता है कि पसीना आया तो या फिर आंसू आ गए तो हमारे लाइनर बह रहे हैं, हमारा मेकअप थोड़े देर में डल होने लग जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो मेकअप फिक्सर आता है उससे पूरे मेकअप को फिक्स कर दीजिए। फिर आपके फेस पे कितना भी पानी गिरे, पसीना आए, आंसू आए, आपका मेकअप वैसे का वैसे रहता है। तो इसको बोलते हैं वाटरप्रूफ मेकअप। तो दो मेकअप के बारे में तो आप लोग अच्छे से जान गए हैं। जो भी कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट बार समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब नंबर आता है 3D मेकअप के बारे में। तो 3D मेकअप क्या होता है, 3D मेकअप जैसे कि हम अपने फेस की, जैसे फेस को कट करना, कहीं कहीं जगह से कट करना, जैसे कि हम अपने नोज को पतला दिखाते हैं, फेस का ये वाला पार्ट हमारा दबा होता है, ओके, ये वाला पार्ट। अगर आपका डबल चिन का प्रॉब्लम है तो यहाँ से हम कट करते हैं अपने फेस को, ये कट करते हैं, ये कट करते हैं, और अगर फोरहेड चौड़ा है तो यहाँ से थोड़ा सा कट करते हैं। इसको बोलते हैं 3D मेकअप। और 3D मेकअप में हाइलाइटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कट कैसे करते हैं, तो हाइलाइटिंग पार्ट हमारा क्या होगा, आप सामने से एकदम रोशनी के संपर्क में जाओ तो आपके फेस पे लाइट कहाँ कहाँ पे आती है। सबसे पहले हमारा हाईलाइट पार्ट है, नोज पे आती है, चिन बोन्स पे आती है, यहाँ पे आती है, ठोड़ी पे, देन अपर लिप्स पे आती है और आपके इस एरिया में आती है। तो ये है हमारा हाईलाइट्स पार्ट, यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जब भी आप मेकअप करते हैं तो ये सारे एरिया को हाईलाइट करना है। और कट कहाँ से करना होता है, अक्सर हम लोग ऐसे लाइट करेंगे तो हमारे यहाँ पे फिर भी लाइट्स नहीं पड़ती हैं। अगर आपका फेस बहुत भरा भरा है, आपको कट दिखाना है तो आप यहाँ पे कंटूरिंग करोगे ना, नोज पतला दिखाना है तो आपको यहाँ पे कंटूरिंग करना है। कंटूरिंग करने के लिए आपकी स्किन से जो एक दो शेड डार्क कलर होता है उससे आप कंटूरिंग कर सकते हो, और हर जगह से फेस को जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चर्बी दिख रही है उसको कट करने के लिए कंटूरिंग करते हैं। इसको बोलते हैं 3D मेकअप, ओके। तो आई होप आप लोग को तीन स्टेप समझ में आगे होंगे। और फेस की कंटूरिंग कहाँ कहाँ से करनी है, यहाँ से देन ये हिस्सा, और किसी का फोरहेड ज़्यादा चौड़ा है तो ये वाला। और कंटूरिंग करनी कैसे होती है, स्किन से डार्क कलर, एक दो शेड डार्क कलर लेके उससे कंटूरिंग करते हैं और अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो इसको बोलते हैं 3D मेकअप। तो आई होप आप लोग को 3D मेकअप भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है HD मेकअप के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। HD मेकअप क्या होता है, जैसे कि आप कोई, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो तो मान लो कि आपको एक दिखता है पूरा क्लियर, पूरा साफ, जैसे कि एकदम ओरिजिनल सामने चल रहा, और एक आता है फटाफटा सा। तो जो फटाफटा सा आता है उसको बोलते हैं पैचेस पड़ गए स्किन पे या फिर मेकअप अच्छा नहीं हुआ है। और जो एकदम क्लियर स्मूथ, जैसे स्किन पोर्स जो होते हैं उसको ढक जाए, और जैसे गड्ढे गड्ढे होते हैं स्किन पे वो सारे ढक जाए एकदम क्लियरली, और फोटो क्लिक करो तो आपका फेस एकदम अच्छा, फोटो में एकदम अच्छा आना चाहिए, इसको बोलते हैं HD मेकअप, ओके। जैसे आप कोई फ़ोटो खींचते हो तो HD फ़ोटो और सिंपल जैसे फ़ोटो ऐसे नॉर्मल कैमरे से खींचते हैं तो धुंधला धुंधला आता है, तो वो मतलब बेकार हो गया। और जो एकदम क्लियर आता है
उसको बोलते हैं HD मेकअप, तो HD फोटो। तो इसी तरीके से आपका मेकअप भी होता है। तो जैसे कि कई बार हम लोग मेकअप तो कर देते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद से वो पैचेस आने लग जाते हैं, फटाफट हो जाता है, जैसे कि अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हुई है, चाहे स्किन पे पोर्स हैं वो दिखने लग जाती है, आपका मेकअप काला पड़ने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों को जो कवर करके सुंदर सा लुक तैयार करें उसको बोलते हैं HD मेकअप। और HD मेकअप में एकदम स्मूथ सॉफ्ट आपकी स्किन, ये जो पोर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं दिखता है, और एकदम लाइट मतलब फेयर लुक और एकदम ओरिजिनल नेचुरल लुक वाला मेकअप आता है, उसको HD मेकअप बोलते हैं। तो आपको आई होप चारों मेकअप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला तो था हमारा सिंपल मेकअप क्या होता है, सेकेंड था हमारा वाटरप्रूफ मेकअप क्या होता है, थर्ड था हमारा 3D मेकअप क्या होता है, और फोर्थ HD मेकअप क्या होता है। तो ये चारों मेकअप के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको ये चारों मेकअप के बारे में सीखना हो कि मैम स्टेप बाई स्टेप बताइए, तो मैं सबके ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगी और आप वो देख के सीख जाओगे कि सिंपल मेकअप, HD मेकअप, 3D मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप क्या है। ओके, तो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा। हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कोई शेयर करने लायक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप देख सको। हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय गाइज, लव यू ऑल।